रूस ने S-500 डिफेंस सिस्टम से हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया। क्या भारत भी खरीदेगा? रूस के AS-500 सिस्टम ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया है। अभी तक दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम ने हाइपरसोनिक लक्ष्यों का शिकार नहीं किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे 2025 तक रूसी सेना में शामिल करने की योजना है। रूस ने पिछले साल S-500 को खरीदने के लिए भारत को ऑफर दिया था। रूस के S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम ने हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक करके उन्हें सफलतापूर्वक मार गिराया है। इसे रूस के रक्षा उद्योग की एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अभी तक दुनिया में किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए कोई एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन अब S-500 को हाइपरसोनिक हथियारों के काल के तौर पर देखा जा रहा है। S-500 को 2025 तक रूसी सेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। दावा है कि S-500 प्रोमेथियस रूस को नाटो की पूर्वी सीमाओं के पास रणनीतिक क्षेत्रों और प्रमुख क्षेत्रों में अतिरिक्त रक्षात्मक बढ़त प्रदान करेगा। S-500 ने हाइपरसोनिक लक्ष्यों के खिलाफ साबित की क्षमता सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि परीक्षणों ने सिस्टम की ऐसी उच्च गति वाली वस्तुओं को ट्रैक करने और बेअसर करने की क्षमता की पुष्टि की है। इन सफल परीक्षणों में रूसी एवेंगार्ड जैसे उन्नत रणनीतिक हाइपरसोनिक मिसाइलों और कम जटिल मिसाइलों के खिलाफ परीक्षण भी शामिल थे। परीक्षण कई चरणों में किए गए, जिससे हाइपरसोनिक खतरों के खिलाफ एक विश्वसनीय रक्षा प्रणाली के रूप में इसकी क्षमताओं की पुष्टि हुई। हाइपरसोनिक वस्तुओं से जुड़ी चुनौतियों के कारण यह सफलता विशेष महत्व रखती है। हाइपरसोनिक लक्ष्य इतने खतरनाक क्यों? हाइपरसोनिक खतरों का पता लगाने में कठिनाई होती है और एक बार पता लगने के बाद प्रतिक्रिया का समय बेहद कम मिलता है, जिससे इन परीक्षणों में S-500 प्रोमेथियस की उपलब्धियां और अधिक मूल्यवान हो जाती हैं। मिलिट्री रूसिया पोर्टल के संपादक दिमित्री कोर्नेव ने S-500 की क्षमताओं के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इसमें हाइपरसोनिक गति से यात्रा करने वाले अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड को मार गिराने की क्षमता है। इसके अलावा यह गाइडेड हथियार और इसी तरह की छोटी दूरी की मिसाइलों को प्रभावी ढंग से खत्म कर सकता है। इसके अतिरिक्त S-500 S-400 प्रणाली के साथ जुड़कर एक बड़े इलाके को सुरक्षित रख सकता है। S-400 के साथ मिलकर बड़े इलाके की करेगा। रक्षा कोर्नेव ने कहा कि ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ मिलकर कम दूरी की मिसाइलों से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों तक के खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला को बेअसर करने में सक्षम होंगे। इसमें हाई स्पीड और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें और गाइडेड मिसाइलें भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हाइपरसोनिक लक्ष्यों को साधने में प्रोमेथियस प्रणाली की सफलता इसके उन्नत रडार और शक्तिशाली कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स के कारण संभव हो सकी है। ये कंपोनेंट रडार से मिल सूचना को तुरंत की लॉन्चरों तक पहुंचाते हैं और गाइडेंस सिस्टम के लिए सटीक डेटा मुहैया कराते हैं। S-500 को रूस ने भारत को किया है ऑफर। रूस साल भर पहले ही भारत को S-500 मिसाइल सिस्टम को खरीदने का ऑफर दे चुका है। रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कून ऑपरेशन FSMTC के डायरेक्टर दमित्री शुगेव ने कहा था कि रूसी सशस्त्र बलों के पास इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की पर्याप्त उपलब्धता हो जाने पर इससे अन्य देशों को निर्यात किया जा सकता है। RBC न्यूज से बात करते हुए शुगेव ने कहा कि हम भारत और चीन समेत उन सभी देशों के बारे में विचार कर रहे हैं जिसने हमारे पुराने और पारस्परिक संबंध हैं। ये सभी देश भविष्य में S-500 मिसाइल सिस्टम के मालिक हो सकते हैं। S-500 मिसाइल सिस्टम को रूसी हथियार कंपनी अलमाज एनर्जी कॉर्पोरेशन ने बनाया है। ये वही कंपनी है जिसने इसके पहले S-300 और S-400 का उत्पादन किया है। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद।